ए प्लस बी माइनस सी इक्वल टू वन इसको मैं इक्वेशन नंबर वन दे हूँ और सेकंड है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन ये सेकंड इक्वेशन और आपको यहाँ पर ए स्क्वाय प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्वायर जितनी भी एबीसी की पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है आपके पास यहाँ पर व्हाट इज द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्वायर तो इसके सम के जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है वो आपको फाइंड करना है ठीक है तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं ये जो सेकंड इक्वेशन है यहाँ से इसको सोल्व करना स्टार्ट है, करते हैं तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में ए प्लस बी के होल स्क्वायर में इसको कन्वर्ट करता हूँ तो यहाँ पर आपके पास एक्स्ट्रा क्या आ रहा है प्लस टू ए बी एक्स्ट्रा आ रहा है ना तो आप उसको माइनस कर दो ये माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन क्लियर फर्स्ट और लास्ट टर्म को मैंने साथ में लिया तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग जाएगा ए प्लस बी प्लस सी और साथ में ए प्लस बी माइनस सी और ये जो माइनस टू ए बी ये तो एज इट इज रखा हमने इक्वल टू माइनस वन अब देखो यहां पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ए प्लस बी माइनस सी की वैल्यू तो वन है आपके पास तो ये फैक्टर तो क्या हो जाएगा वन हो जाएगा तो आपके पास कितना रह गया यहाँ पर रह गया आपके पास ए प्लस बी प्लस सी माइनस टू ए बी इक्वल टू माइनस वन ये जो ए प्लस बी है इसकी वैल्यू कितनी आ रही है इक्वेशन नंबर वन से ए प्लस बी की वैल्यू आ रही वन प्लस सी तो इसकी वैल्यू हमने यहाँ पर 1 प्लस सी पुट कर दी और प्लस सी माइनस टू ए आगे चली रहा हमारे पास इक्वल टू माइनस वन क्लियर इसको सॉल्व कर लेते हैं इसको सॉल्व करोगे तो ये बनना हमारे पास टू सी माइनस टू ए इक्वल टू माइनस टू ठीक है सी फाइंड करोगे आप यहाँ से तो ये आर में जाएगा और टू से कैंसिल हो जाएगा तो सी की वैल्यू आ रही है हमारे पास ए बी ठीक है अगेन हमने क्या किया यहाँ पर ये जो माइनस है इसकी वैल्यू पुट कर दी तो ये बन गया हमारे पास यहाँ पर सी इक्वल माइनस वन की वैल्यू वही इक्वेशन नंबर वन से कितना ए प्लस बी माइनस सी तो ए प्लस बी माइनस सी ठीक है अब देखो बोथ साइड यहाँ भी प्लस सी आ रहा है यहाँ भी प्लस सी आ रहा है क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा ठीक है यहाँ ये जो आपके पास बच रहा है ये ए बी माइनस बी ए बी माइनस ए माइनस बी ठीक है ए बी माइनस ए ठीक है इसको कैसे सॉल्व करते हैं देखें हम यहाँ से यहाँ से हम क्या करेंगे कॉमन लेंगे है ना तो कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा यहाँ ए कॉमन लूंगा तो बी माइनस वन बनेगा और ये माइनस बी इक्वल टू जीरो ठीक है यहाँ अगर मुझे बी माइनस वन बनाना है तो क्या करना होगा बी माइनस वन बनाना है तो ये माइनस के साथ मैंने बी माइनस वन लिया तो ये प्लस वन एक्स्ट्रा हो गया ना इधर इधर प्लस वन एक्स्ट्रा हो गया तो आर एच एस में भी प्लस वन यहाँ से बी माइनस वन कॉमन लेंगे तो ए माइनस वन बचेगा इक्वल टू वन ठीक है तो देखो यहाँ अगर हम बात करें ए और बी हमारे पास कैसे चल रहे हैं इंटीजर्स चल रहे हैं है ना आपको क्या बोला हुआ है ए बी सी तीनों क्या चल रहा, इंटीजर्स चल रहा है इंटीजियर्स चल रहे हैं तो यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कैसे आ रहा है वन आ रहा है तो क्या क्या पॉसिबल केसेज आपके पास हो सकते हैं देखो एक केस तो आपके पास हो सकता है ये वन आ रहा है तो ए और बी दोनों कैसे हों टू हो अगर टू टू, टू होंगे तो टू माइनस वन क्या हो गया वन और ये भी क्या हो गया वन ठीक है देखो दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन दो इंटीजर का मल्टीप्लीकेशन अगर आपके पास वन आ रहा है तो आपके पास यहाँ पर दो ही पॉसिबल केसेज है वन आ सकता है कब कब एक तो वन इंटू वन होगा तो वन आएगा और एक माइनस वन इंटू माइनस वन होगा तो भी प्लस वन आएगा आगे बात समझ में इंटीजर के केस में बी माइनस वन ए और बी इंटीजर है तो बी माइनस वन और ए माइनस वन भी क्या होंगे इंटीजर होंगे तो दो इंटीजर का मल्टीप्लीकेशन वन यही दो केस बनते हैं ठीक है तो अगर बी माइनस वन और ए माइनस वन अगर दोनों वन वन दे रहे हैं तो वन वन कब देंगे जब ए बी और किसके इक्वल होगा ए और बी इक्वल होगा हमारे पास यहाँ पर टू के ठीक है और ए और बी अगर टू के इक्वल होगा तो यहां से देख लो सी कितना आ रहा है यहां से आपके पास टू टू रखोगे तो फोर माइनस वन थ्री आ रहा है तो सी हो जाएगा कितना थ्री और आपको क्या फाइन करना था आपको फाइन करना था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो तीनों का स्क्वायर का सम करोगे तो फोर प्लस फोर प्लस नाइन ये आ गया हमारे पास कितना 17, ठीक है केस सेकंड देख लेते हैं केस सेकंड जिसमें आपके पास ये दोनों फैक्टर माइनस वन दे रहे हो तो बी माइनस वन अगर माइनस वन के इक्वल है तो बी किसके इक्वल है जीरो के तो बी जीरो और ए बी के साथ जीरो ठीक है केस सेकंड देख रहे हैं जिसमें ए और बी दोनों कैसे हों जीरो हों तो दोनों अगर जीरो होंगे तो सी की वैल्यू क्या आएगी रखो यहाँ पर ए और बी दोनों जीरो रखोगे तो सी की वैल्यू आ रही माइनस वन तो इस केस में आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना आ रहा है